अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ज़बरदस्ती चटपटी प्याज टमाटर की चटनी बनाएंगे, जो खट्टी मीठी तीखी सभी फ्लेवर से फुल होती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। क्विक और फास्ट रेसिपी है और कम से कम इंग्रेडिएंट में बनकर तैयार हो जाती है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने 500 ग्राम यानी कि आधा किलो पके हुए लाल टमाटर लिए हैं और इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया है। उसके साथ ही 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं और 2 से 3 ही मीडियम साइज़ की प्याज ली है और 1/2 पंच हरा धनिया लिया है, इसे भी अच्छे से वॉश कर लिया है। और इसके साथ ही कुछ मसाले भी चाहिए होंगे हमें। अब यहाँ पर हमने कढ़ाई ली है और उसमें 1/4 कप ऑयल डालेंगे। हीट को हमने मीडियम रखा है और ऑयल गर्म हो जाने पर इसमें 1 टीस्पून भरकर सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे और इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे और प्याज को भी मीडियम फ्लेम पर हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ ट्रांसलूसेंट हो जाने या फिर सॉफ्ट हो जाने पर ही इसमें टमाटर शामिल करना है। देखिए 2 से 3 मिनट फ्राई करने पर इस तरह से प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें बारीक कटे टमाटर डाल देंगे और टमाटर को बहुत बारीक भी नहीं पीसना है या फिर उसे बहुत मोटा भी नहीं काटना है, बस इतना ऑमलेट कट ही इसे कट करना है। अब इसे प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मसाले शामिल करेंगे, जिसमें हमने 1 टीस्पून भरकर नमक डाला है और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है, 1 टीस्पून ही कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, इससे चटनी का कलर भी अच्छा आता है, और 1 टीस्पून भरकर ही धनिया पाउडर डाला है। इनको मिक्स किया है और 1/2 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा पाउडर शामिल किया है। अब इन तमाम मसालों को टमाटर और प्याज के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पर ही 4 से 5 मिनट तक हम इसे कवर करके कुक करेंगे ताकि प्याज और टमाटर अच्छे से गल जाए। 4 से 5 मिनट के बाद अब हम इसे ओपन करेंगे और देखिए टमाटर और प्याज वगैरह अच्छे से गल चुके हैं। अब प्रेस करते हुए इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर, ताकि टमाटर और प्याज मसाले वगैरह अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये अच्छे से भून चुकी है। अब इसमें 1 टीस्पून भरकर जैगरी या गुड़ का पाउडर शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गुड़ डालने से इसमें बहुत अच्छा टेंगीनेस या टेस्ट आता है। आप चाहें तो इसकी जगह 1 टीस्पून भरकर चीनी भी शामिल कर सकते हैं। अब कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे और इन्हें भी मिक्स कर लेंगे। अब आखिर में इसमें हम बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए खट्टी मीठी चटपटी सी प्याज टमाटर की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। और पराठों और चपाती के साथ इसे डायरेक्ट सर्व करें या फिर दाल चावल के साथ साइड डिश के तौर पर सर्व करें, सभी के साथ बहुत टेस्टी और मज़ेदार लगती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी पसंद आने पर वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब किए बगैर न जाइए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।